फाइनली गाइस वल्कन को आज हरा देंगे अपन। भाई बहुत दिन से ट्राई कर रहा था, बस यार मेरे को एक भी हिट ना लगे। ओ नहीं यार, ये तो मेरे पे ही कूद रहा है। नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक इन आवर सोलो लेवलिंग अराइज न्यू वीडियो, जिसमें आज गाइस मैं तुम्हारे लिए वल्कन का इजी मोड वाला गाइड लेके आया। एंड लेट मी से दिस क्लियरली, हाउ टू बीट वल्कन इजी मोड एज एन F2P प्लेयर। अच्छा यस गाइस, फाइनली हमने सोलो लेवलिंग अराइज के सबसे हार्डेस्ट चैलेंज को हरा दिया। ऐसे सबसे हार्डेस्ट तो अभी नॉर्मल मोड है, बट वहां तक पहुंचने के लिए टाइम लगेगा। उससे पहले इजी मोड वाला वल्कन और आना ही है, बट टेंशन नॉट। ये गाइड में मैं तुम्हें ऐसा बुलेट प्रूफ प्लान बताऊंगा ना कि तुम वल्कन को बीट कर दोगे, और इसमें तुम्हें ना एलिशिया चाहिए होगी ना ही मेलिन फिशर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, तुम्हें ब्लेसिंग्स पे ध्यान देना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्राई करना अल्टीमेट स्किल डैमेजेस पे फोकस करो और क्रिट हिट डैमेज पे। बस ब्रेक इफेक्टिवनेस, डैश मूव, ये सब को अवॉइड करना। अटैक इंक्रीज, मॉन्स्टर डैमेज टेकन, ये सब एक रख सकते हो, ब्लेसिंग उससे ज़्यादा मत रखना। एंड गाइस, वल्कन को हराने के लिए तुम्हें इस टाइप का संजन वो चाहेगा, लेवल का कोई लेना देना नहीं है। पावर तुम्हारा लगभग इतना होना चाहिए और मैक्सिमम तो अटैक 19 के प्लस होना चाहिए। एंड वल्कन को बीट करने के लिए मैं ये SSR वेपन्स का यूज़ करूंगा, क्योंकि यही है मेरे पास जिनके अच्छे ट्यूब्स हैं। एंड स्किल्स में यूज़ करेंगे आर्मर ब्रेक का आइस पर, जिसमें ऑलमाइटी ब्रेक है, और साथ ही में अपन यूज़ करेंगे अर्थ शॉक, जिसमें हैवी ब्रेक डैमेज है, विच ऑल्सो इंक्रीजेज आवर क्रिट हिट डैमेज बाई 30% फॉर 10 सेकेंड। एंड ब्रेक स्किल्स में तुम चाहो तो मल्टी स्ट्राइक का वाटर वर्जन भी यूज़ कर सकते हो। एंड मेरे स्टैट्स दिखा देता हूँ मैं तुम्हें। प्रिसीजन 79 का 80 समझ लो, डिफेंस 13, क्रिट हिट रेट 50%, क्रिट हिट डैमेज 156%, विच इज़ लेस, बट उसको हम लोग कवर करेंगे ब्लेसिंग से। एंड आर्टिफैक्ट सेट में ये यूज़ करूँगा, 2 पीस कर सेट, 2 पीस आर्म सेट एंड 4 पीस एक्सपर्ट सेट। एंड यू कैन गो फॉर अदर सेट्स ऑल्सो, बोले तो अदर सेट्स भी यूज़ कर सकते हो। मोस्ट रिकमेंडेड टफनेस है, फिर 1 हिट किल और फिर डिस्ट्रॉयर सेट भी यूज़ कर सकते हो। एंड आर्म सेट मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे को अटैक प्लस बहुत अच्छा मिला है, एंड इस सेट के बिना मेरा 19K तक अटैक बढ़ ही नहीं रहा था। एंड मेक श्योर करना कि तुम्हारे स्किल्स जितना तुम लेवल अप कर सकते हो उतने लेवल अप हो, टू गेट मैक्सिमम डैमेज। इससे तुम्हारा CP तो बढ़ता नहीं है ज़्यादा, बट स्किल डैमेज बहुत बढ़ता है। एंड गाइस, वल्कन को मैंने 4 घंटे में हराया, सो मेहनत बहुत लगी है, इसलिए बिना बेशरम भरे वीडियो को लाइक करो। एंड हाँ, इसमें तुम्हारा अल्ट लेवल 9 तक हो तो अच्छा रहेगा, रिकमेंडेड है। 8-7 तक भी रहेगा तो चलेगा। एंड ऐसा तुम्हें संजिनो का सेटअप बनाना है। एंड उसके बाद मैं तुम्हें हंटर्स भी दिखाता हूँ कौन कौन से मैं यूज़ करूँगा। एंड मैं ना मेलिन फिशर यूज़ करूँगा इसमें, ना ही एलिशिया। दोनों काइंड ऑफ बहुत हेल्पफुल है, सबसे ज़्यादा हेल्पफुल मेलिन फिशर है वल्कन रन के लिए। बिकॉज वल्कन को तुम पूरा लो कर देते हो ना, 20 HP पे लेके आते हो, तो वो बदमाश एक ऐसा शील्ड लेके आता है ना और 20 हेल्थ का, कि भाई तोड़ते तोड़ते तुम्हारी वाट लग जाएगी, 1 मिनट में तो तोड़ ही नहीं पाओगे। बट ये मेलिन फिशर उस शील्ड को इंस्टेंट तोड़ सकती है अपने सपोर्ट स्किल से। इनफैक्ट इसके बदले तुम हुआंग डोंग सो, जो भी नाम, उसको भी यूज़ कर सकते हो, वो भी शील्ड तोड़ता है, वो मेरे पास है नहीं। बट ये रन बिना कोई वैसे हंटर्स यूज़ करके दिखाऊंगा। एंड शेडोज में यूज़ कर रहा हूँ इग्रिस को, टस को और बारुका को। टस के बदले तुम इसको भी यूज़ कर सकते हो, आयरन को, बिकॉज ही ऑल्सो डिक्रीजेस डिफेंस बाई 10% फॉर 10 या 15 सेकेंड के लिए। एंड मेन शेडो इग्रीस यूज़ करूँगा, ऐसे भी हमारा येलो जोन में है क्रिट हिट रेट स्टिल, भाई जितना क्रिट हिट रेट मिले उतना बढ़िया है। एंड हंटर्स जो मैं यूज़ करूँगा वो ये सारे हंटर्स यूज़ करूँगा, चाहेन। एंड वाई? बिकॉज ऑफ हर सपोर्ट स्किल, क्योंकि इसके सपोर्ट स्किल में एक कंडीशन लगता है ब्रांड, ये देखो, जो कि इंक्रीज करता है क्रिट हिट रेट और क्रिट हिट डैमेज बाई 12% टू टारगेट्स हिट बाई दिस स्किल फॉर 15 सेकेंड। बोले तो चाहे सपोर्ट स्किल मारेगी, ये कंडीशन उस पर लगा देगी, उसके बाद हम जो भी स्किल मारते हैं, अल्ट हो या वेपन स्किल, उस पर क्रिट हिट रेट और क्रिट हिट डैमेज 12% बढ़ जाएगा। एंड सीओ जीवू को यूज़ कर रहा हूँ फॉर सम ब्रेक एंड शील्ड, उसकी जगह अलीशा को भी यूज़ कर सकते हो, या अदर ब्रेकर्स, या नैम चाइयंग भी ठीक है। इनफैक्ट ये बेटर भी हो सकती है क्योंकि ये फ्रीज कर देगी 2 सेकेंड के लिए। एंड लास्ट अपन जो हंटर यूज़ करेंगे वो रहेगा मिंग मिंग यू, एंड इसके पास भी सपोर्ट स्किल में बहुत ब्रोकन कंडीशन है पनिशमेंट करके, जिससे ये इंक्रीजेस डैमेज टेकन बाय 15% तक कर देता है 20 सेकेंड्स। बोले तो 15% हम ज़्यादा डैमेज देंगे जिस पे भी ये कंडीशन लगेगा। एंड जो ब्लेसिंग स्टोन्स मैं यूज़ करूँगा वो भी दिखा देता हूँ, उतने कुछ खास ब्लेसिंग स्टोन्स नहीं है, सारे रेयर वाले हैं। एक तो है पल्वराइज, जिससे हमारा ब्रेक इफेक्टिवनेस 12% तक बढ़ जाएगा, थोड़ी जल्दी ब्रेक कर पाएंगे। और सेकेंड वाला एडवांस डैगर टेक्निक है, जिसमें जो भी एनिमी है उसका अगर 70% से नीचे हेल्थ रहता है तो उसको 5.6% ज़्यादा डैमेज। एंड लास्ट डबल एज सोड है, क्योंकि मेरा भी और ओपोनेंट का भी
अटैक बढ़ाता है। एंड मेन वाला डेली कंप्लेशन रखा हूँ ताकि भाई मर के भी जिंदा बच जाऊँ, बोले तो एक लास्ट चांस मिल जाए। एंड अगर तुम्हारे पास सेम ब्लेसिंग स्टोन्स नहीं है तो उन पे फोकस करो जिनसे तुम ज़्यादा डैमेज दे पाओ वल्कन को। एंड पल्वराइज तो बिल्कुल रखो सो डैट तुम उसको जल्दी से जल्दी ब्रेक कर पाओ। एंड ये वीकनेस डिटेक्शन भी अच्छा ब्लेसिंग स्टोन हो गया इस रन के लिए। एंड यप गाइज, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, व्हाइट जोन में ही फाइट करो इसको, रेड जोन में मत करना, बोले तो रेड पावर लेवल होता है। एंड वल्कन रन के लिए ये सारे ब्लेसिंग्स मैं यूज़ करूँगा, मोस्टली क्रिटेड डैमेज एंड अनस्किल्ड में फोकस्ड है। एंड एक दो खराब ब्लेसिंग्स मिल जाते हैं, सो बोला जैसा कि मैं स्टार्टिंग में बताया, अटैक इंक्रीज या मॉन्स्टर डैमेज टेकन इंक्रीज ये सब रहेगा, वो सब चलेंगे, बस एक से ज़्यादा कोई घटिया वाले ब्लेसिंग्स मत लेना। एंड आई थिंक मैं बहुत जल्दी स्किप कर दिया था, सो फिर से ब्लेसिंग्स दिखा देता हूँ। एंड 50% अनस्किल्ड डैमेज, 50% क्रिट हिट डैमेज मिल गया ना भाई, बैंड बजा दोगे इस वल्कन की अगर अच्छा रन हुआ तो। एंड सो फाइट स्टार्ट होते ही रेडी रहो भाई एक्सट्रीम इवेजन के लिए, शैडो स्टेप मत मारना, क्योंकि ये 3 times ऐसे अटैक्स करता है। थर्ड वाले पे तुम शैडो स्टेप मारो एंड अपने ब्रेक हंटर को यूज़ करो और साथ में अपने सारे ब्रेक स्किल्स भी। एंड चाहो तो बाकी हंटर्स को भी समन करके डैमेज दे सकते हो, मैं देख सकते हो मैं सारे वेपन का भी स्किल्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ जरा जरा सा भी डैमेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड व्हाट द हेल यार, ये क्या टट्टी कर दिया था, ये सब छोटे मिस्टेक्स अवॉइड करना लॉल। एंड इसके बाद ये तुम पे जंप करेगा, सो डॉज करना और शैडो स्टेप मारना, वो भी थोड़ा लेट से, ठीक है, क्योंकि इसका एनिमेशन आता है और एनिमेशन में ये अटैक छोड़ता है, सो वहाँ पे अगर तुम तुरंत शैडो स्टेप मारोगे तो तुम्हें स्टन भी पड़ सकता है। एंड आफ्टर दैट ड्रैगन की तरह आग उगलता है, मोटा सारा आग तो पीठ में रखता है। एंड ट्राई टू अवॉइड हिज अटैक्स एज मच एज यू कैन। एंड ब्रेक इसको थोड़ा आराम से करना कि तुम्हारे पास अल्ट आ जाए, एंड अगर जल्दी ब्रेक कर देते हो तो हड़बड़ाना मत अल्ट मारने के लिए, लाइक मी, अभी मैं इसको ब्रेक कर दिया हूँ, ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है ना, तुम्हें इसको जैसे तैसे करके 95 हेल्थ तक लाना है बिना अल्ट मारे। एंड ये 4 attack कॉम्बो के बाद वल्कन फिर अपने एकदम स्टार्टिंग वाले अटैक में आ जाता है। सो फिर तुम्हें क्या करना है, डॉज करना है, ओके बच गया, और एक बार नाइस। जैसा कि मैं बोला, तुम्हें ट्राई करना है इसको 95 हेल्थ तक डैमेज दो, अल्ट मत मारना, अगर अल्ट पहले भी आ जाए तो अल्ट मत मारना। एंड अल्ट मारने का भी एक फुल सेटअप है, उसको एकदम फॉलो करना और उसके बाद भाई डैमेज देखना। एंड बेस्ट रन के लिए अपन इसको अल्ट सेकंड फेज में मारेंगे, सो दैट एंड गेम में हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि अगर तुम इसे अभी अल्ट मारोगे ना तो इसकी बैंड बच जाएगी ज़रूर, लाइक तुम इसको 60-70 HP तक पहुँचा दोगे, बट उससे ना एंड फाइट में तुम्हें बहुत डिफिकल्टी होती, अल्ट एकदम टाइमली नहीं आएगा तुम्हारा। सो इस फेज में फायर बॉल्स को अवॉइड करो और इन रॉक्स पे छिप जाना, ये 2 rocks दोनों लेफ्ट और राइट साइड में आते हैं एंड ये पीछे रहते हैं, सो पीछे के साइड में रहना। आफ्टर डैट ये स्किल रेज यूज़ करता है जिससे इसका अटैक बढ़ जाता है और आप खाओगे डैमेज तो रो दोगे, भाई सही बता रहा हूँ, बहुत डैमेज देता है। एंड गाइस, अब सब अल्ट सेटअप टाइम आ गया, सो मेक श्योर करना तुमने शैडो स्टेप इसको मारा है, इसका डिफेंस डिक्रीज है और पनिशमेंट और ब्रांड इफेक्ट दोनों एक्टिवेटेड है इसमें, एंड बेयरली एक्टिवेटेड थे, सो मैं एम्पलीफाइंग ड्रॉ यूज़ किया डैश मार के, क्योंकि मेरा प्लम सोर्ड E3 था। एंड अब अल्ट का डैमेज देखना गाइस, 88 से डायरेक्ट 58 लॉल यार, और अगर मैं फुल ब्लूम इफेक्ट एक्टिवेट कर लेता सो और डैमेज देता है। तो जितना अच्छा सेटअप बिछा पाओ उतना बढ़िया है, ब्लेसिंग्स का फुल यूज़ करो। एंड इसके बाद ये फेज 2 में आता है जिसमें गाइस इधर तुम्हें बहुत अटेंटिव रहना, पहले तो इस अटैक से बचोगे नहीं और बच भी गए तो भागो भाई, इन वॉल्स के पीछे भागो। बट वेट, ये स्टन कौन दे रहा है भाई मुझे अंदाजी, लॉल भाई ये वल्कन में भाई अंदाजी स्टन्स देते रहता है, सो देखना भाई बच के रहना। एंड अगर तुम इसको 50 हेल्थ से नीचे लेके आते हो ना तो ये अपना फेज 3 में जाता है जो कि बिल्कुल फेज 1 के जैसा है, मीटियोर्स छोड़ेगा, तुम्हें डॉज करना है और वॉल के पीछे छिप जाना है। एंड डिट्टो सेम रन तो तुम्हारा नहीं होगा बट एकदम सेम टाइप के फेजेस ज़रूर होंगे, सो याद रखना कि इतने हेल्थ बार में ऐसे ऐसे फेजेस आते हैं। एंड अब से गाइस रियल स्ट्रगल और रियल बैटल स्टार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से ये वल्कन समन करता है 2 firewalls एंड उससे पहले और मेटेरॉइड्स गिराता है, सो शैडो स्टेप रेडी रखना, थोड़ा वेट करना, मारना एंड देन वेपन स्किल्स मारना। एंड देख सकते हो बगल में वॉल्स ऑफ फ्लेम्स, बोले तो फ्लेम्स ऑफ वॉल जो बोलो वो आ गए हैं भाई। एंड अब तुम्हें थोड़ा पेशेंटली इससे फाइट करना होगा, तुम्हें हिट एकदम नहीं लेना है इससे, अभी हिट पड़ा ना भाई ये तुम्हें मार देगा। अब ट्राई करो अपना अल्ट इकट्ठा करने का, क्योंकि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था अगर तुम इसको 20 health bars पे लेके आते तो ये एक ऐसा शील्ड लेके आता है ना भाई और 20 हेल्थ का, जिसको तोड़ने में तुम्हें 1 minute का समय लग जाएगा। सो देख सकते हो मैं इसको ना डैमेज दे रहा हूँ ना कुछ, डॉज कर रहा हूँ, अरे भाई पिटा गया भाई, यही बोल रहा था अवॉइड करना अटैक और वेपन स्किल्स मारने से भी अभी बचना, अदरवाइज ज़्यादा डैमेज दे दूँगा। एंड जब तक तुम्हारा अल्ट नहीं आता है तब तक तुम इसको कोई वेपन स्किल मत मारना, बेसिक मार के इसका हेल्थ गिराओ और अपना अल्ट लेके आओ। ओके व्हाट द हेल यार,
बच गया भाई। एंड हाँ, देख के शैडो स्टेप मारना भाई, वरना ड्राई फ्राई हो जाओगे तुम लोग भी। एंड इस टाइम मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम ऑटो पे अपने हंटर्स को रखते हो तो इस टाइम ऑटो से हटा लो अगर पॉसिबल हो तो, नहीं तो ऑटो में भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ से तुम्हें ना इसको वन हिट किल करना पड़ेगा। बोले तो स्किल्स पे स्किल्स मारने होंगे, और जितना ज़्यादा डैमेज हो अच्छा। तो देख सकते हो 21 हेल्थ बार पे आया है, सो मैं 36 ग्रीमियोर का वाटर स्किल मारता हूँ उसके बाद। अब ये शील्ड लाने के लिए जंप कर, तो तुम्हें क्या करना है, ये जैसे ही जंप करे अल्ट मार दो भाई, यही तुम्हारे लिए बेस्ट रन है और शील्ड को अवॉइड करने का ट्रिक है। अगर तुम यहाँ पे अल्ट नहीं मारते हो तो ये बच जाएगा और ऐसा शील्ड लेके आएगा, नहीं मार पाओगे। एंड फाइनली और पीटू वल्कन की बैंड बजा दी, हा हा। और देखो भाई अब कैसा लगा, साले मोटे ब्लास्टी हो गया ये तो लॉल। एंड सी यू हैव डिफीटेड द रूलर ऑफ लोअर फ्लोर्स द अवेरिशियस वल्कन, एंड वो भी 39 सेकेंड्स पहले। तो गाइस हैवी ट्रिक है ना, बिल्कुल भाई फॉलो करो इस ट्रिक को, एंड मैं गारंटी देता हूँ भाई तुम लोग हरा दोगे। बस हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारा संजनू मेरा जितने संजनू का उतना स्ट्रांग होना चाहिए, और हंटर्स का मतलब टोटल पावर लेवल कम से कम व्हाइट जोन में रखो, रेड जोन में मत रखना। एंड ये देखो इतने सारे आइटम्स मिले, लेकिन इतना टट्टी टट्टी क्यों है भाई आर्टिफैक्ट्स? ये वाला सिर्फ ढंग का है, क्रिट हिट रेट है, लेकिन हीलिंग गिवेन इंक्रीज देके भाई खराब कर दिया इस आर्टिफैक्ट को भी। एंड गाइज मैं समझ सकता हूँ, अगर तुम अभी वल्कन को ट्राई करते होगे तो ये तुम्हें एकदम इम्पॉसिबल लगता होगा, बट मैं खुद बता रहा हूँ, मैं एक वीक पहले इसको ट्राई करता था ना भाई, इसका सेरिब्रस क्लियर नहीं होता था मेरे से, बट धीरे धीरे थोड़ा पेशेंस रखा, लेवल अप किया, आर्टिफैक्ट्स को भी लेवल अप किया, उसके बाद देख सकते हो मैं इजी वल्कन को हरा दिया, वो भी फुल्ली F2P हूँ। मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ, उधर जाके तुम लोग मेरा अकाउंट देख ही सकते हो। एंड सो गाइज आई होप ये वीडियो हेल्पफुल होगा, सो वीडियो को लाइक करो अभी तक से नहीं किया तो, और ज़रूर भाई शेयर कर दो भाई, फैला दो, सो दैट सारे लोग इस पेटू वल्कन को मार सके। अभी आर्टिफैक्ट्स चाहिए ना भाई। एंड अगर चैनल में नए आए हो तो क्या कर रहे हो भाई, सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करो, सो दैट तुम ऐसे ही एक्शन पैक्ड मज़ेदार और इन्फॉर्मेटिव सोलो लेवलिंग अराइज के वीडियोज मिस ना करो। एंड मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में, टिल देन द गुड्स द बॉयज।